पहले लॉन्च होता है Redmi 13C 5G, काफी दबा के ये फोन बिका है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा वाला रीजन है वो है प्राइस, और इंडिया में Xiaomi की जो फैन फॉलोइंग है ये भी काफी ज्यादा वाली है। अभी यह लॉन्च हो गया है पोको का M6 5G, ये फोन भी आपको 10,000 रुपए के अंदर 5G देता है। यदि आपको 5G वाला फोन लेना है, आप कंफ्यूज हैं Redmi की तरफ जाए या पोको का फोन बाय कर ले, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा आपके लिए कौन सा फोन बना है। इसी बात में एक लाइक बनता है। चैनल पे आप अभी अभी पधारे हैं, बिल्कुल नए हैं भाई, सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। देखिए, आपको एक काम सबसे पहले करना होगा, चाहे आप Xiaomi का फोन बाय करें या तो पोको का, दौड़ के जाइए, अच्छा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवाइए और साथ में बैक कवर भी होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको दोनों ही चीज नहीं मिलती है, तो आपको अलग से यार थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे। दोनों ही फोनों में जो बैटरी है ये है 5000 mAh की, बिंदास आपका 1.5 दिन चल जाएगी। यदि आप मॉडरेट यूजर है, दिन रात अपने फोन से चिपके रहते हैं, 5G में फोन यूज कर रहे हैं, तब भी यार 1 दिन कहीं भी नहीं गए हैं, 6.5-7 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है केवल और केवल 10 वॉट का, और फोन जो सपोर्ट करता है वो है 18 वॉट की चार्जिंग को, मतलब चार्जिंग में आपको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन बैटरी बैकअप में आपको दोनों फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। यहां पर जो प्रोसेसर मिल रहा है दोनों डिवाइस पे वो है MediaTek का Dimensity 6100+। आज की डेट में यार MediaTek वाले बहुत सारे फोनों में अपना ही प्रोसेसर चिपका के दे रहे हैं। यदि आप पसंद करते हैं Snapdragon को और आपका बजट 10,000 रुपए से थोड़ा सा खिसक सकता है, तो आपके पास है पोको का M6 Pro 5G या तो Redmi 12 5G, वहां पर Snapdragon का 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है। वैसे उन दोनों फोन का जो रिव्यू है वो आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा। जो यहां पर प्रोसेसर मिल रहा है MediaTek Dimensity 6100+, मेरे हिसाब से 10,000 रुपए के ब्रैकेट में बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। गेम खेलते समय जितना पैसा आपने दिया है उसके हिसाब से लैग नहीं है, दोनों ही फोनों में कोई भी मेजर हीटिंग इशू नहीं है। सीपीयू थ्रोटल टेस्ट करते समय यार थ्रोटल फोन नहीं होता है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप आपको दोनों ही डिवाइस में मिल रहा है। अलग से आप मेमोरी कार्ड डाल के भी यार स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही सजेशन है, जो यार ओरिजिनल चीजें होती है ना, इनबिल्ड वाला स्टोरेज वो ज्यादा अच्छा होता है। अलग से आप मेमोरी कार्ड डालेंगे, हो सकता है जो स्पीड होना फोन की वो कम हो जाए। तो मैं तो ऑलवेज यूज करता हूँ इंटरनल स्टोरेज, लेकिन आपके पास विकल्प है। बेंचमार्क स्कोर में कोई भी बहुत बड़ा वाला अंतर नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर सेम है। और भाई आप यूट्यूब में 40-40 तक के वीडियो देख सकते हैं। आपको याद है Snapdragon का 695, वहां पर केवल आपको विकल्प मिलता था 1080p तक वाला, लेकिन MediaTek के इस प्रोसेसर में इस प्राइस ब्रैकेट में YouTube में ज्यादा अच्छी वाली सेटिंग मिल रही है, और वाइडबैंड L1 का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। मेरे हिसाब से MediaTek Dimensity 6100+ बहुत ही अच्छा वाला प्रोसेसर है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए, दोनों ही फोनों में आपको थोड़े से ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, जो चीजें आपको नहीं पसंद फटाफट डिलीट करिए, लेकिन UI में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पसंद आने वाली है। जैसे आप 2 एप्लीकेशन बना सकते हैं, FM रेडियो भी है, UI में कोई ग्लिच नहीं है, अभी तक मुझे एड भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन IR ब्लास्टर इन दोनों फोन में नहीं मिलता है। यदि आपको चाहिए IR ब्लास्टर मतलब रिमोट, तो भाई आपके लिए है Redmi 12 5G या तो पोको का M6 Pro, वहां पर IR ब्लास्टर था, जो यार आपको सिक्योरिटी पैच भी मिल रहा है। दोनों ही फोनों में सेम है, Android 13 में बिल्ड है, बस यार जल्दी से अपडेट आना चाहिए और कोई भी ग्लिच ना है। सामने वाले की कॉल को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइस में गूगल का डायलर नहीं है, और मुझे देख के ये अच्छा लगा है, आज की डेट में मैक्सिमम फोनों में गूगल का डायलर नहीं मिलता है। 4G प्लस का सपोर्ट है, हैप्टिक फीडबैक टक टक वाला है, और यार जितना पैसा आप दे रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है। 5G अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारे 5G वाले बैंड मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से नेटवर्क के मामले में और जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके आधार पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। देखिए, बैक में आपको डिजाइन में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, लेकिन दोनों फोन का जो बैक का मटेरियल है ये है प्लास्टिक वाला, बट सुंदर बहुत है, चमकीले हैं, भड़कीले हैं। जहां पर कैमरे का मॉड्यूल है पोको के डिवाइस पे, वहां पर आपको थोड़ा सा डिजाइन में फर्क दिखेगा पोको M6 5G में, लेकिन दोनों फोन की जो थिकनेस है
ये भी बहुत हद तक सेम है। दोनों फोन का जो वेट है यहाँ पर भी बहुत बड़ा वाला फर्क नहीं है। 192 ग्राम का है 13C 5G और जो पोको का M6 5G है यहाँ पर जो वेट है ये है 195 ग्राम। दोनों ही फोनों में आपको हेडफोन वाला जैक मिल जाता है। आपके पास पुराना वायर वाला हेडफोन है उसको लगा के आप म्यूजिक का आनंद उठा सकते हैं। दोनों ही डिवाइस पे आगे की तरफ 90 हर्ट्ज का HD प्लस वाला डिस्प्ले है। ऊपर की तरफ आपको पंच होल नहीं मिलता है, यू शेप वाली नॉच है। नीचे की तरफ जो बेजल्स है ये किसी किसी को थोड़े से बड़े लग सकते हैं, लेकिन यार ठीक है, मुझे डिस्प्ले में कोई बहुत बड़ी वाली कमी नहीं लगी है इस डिवाइस पे। और आपकी ख्वाहिश फुल HD प्लस की है, ग्लास बैक चाहते हैं तो भाई आपके पास है पोको M6 Pro या तो Redmi 12 5G। और ये जो दोनों डिवाइस है ये आते हैं HD प्लस वाले डिस्प्ले के साथ, लेकिन कमाल की बात ये है गोरिल्ला ग्लास की भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है इसे मैं यार डिसेंट कह सकता हूँ। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन यार अपनी अपनी पसंद है, जो डिजाइन आपको पसंद आ रहा हो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। स्पीकर बॉटम फायरिंग वाला है वो भी सिंगल, और जो आवाज है इसे मैं यार डिसेंट कह सकता हूँ, डबल स्पीकर का उपयोग नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कैमरे की। पिछू की तरफ जो मेन सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, यही काम का है। आगे की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। मैं आपको थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूँ सेल्फी वाली। ना तो आप आगे से ना ही पीछे से 4K वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 1080p में ये आपको यार डिसेंट लग सकते हैं। दोनों ही फोनों के रियर कैमरे में भी आपको बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। फोटो शार्प है, डिटेल की कोई कमी नहीं है, 10 में से 6-7 फोटो आपको पक्का अच्छी लग जाएगी। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी एहसास हो सकता है पोको M6 5G की फोटो क्या यार वार्म है, लेकिन यार मैक्सिमम फोटो जो है ना ये मुझे सेम लग रही है। मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, आप बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन जितना पैसा आप दे रहे हैं उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कैमरे में बहुत बड़ी वाली कोई भी कमी नहीं है। अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे फोनों में नहीं मिलता है, तो भैया यहाँ पर भी नहीं है। यदि आपको बहुत ही अच्छा कैमरे वाला फोन लेना है अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात करते हैं, आपको कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए। मेरे आधार पे यदि आपका बजट है 10,000 रुपए के अंदर आप किसी भी फोन की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही फोनों में जो चीजें मिल रही हैं वो बहुत हद तक सेम है। आप बताओ आप किसके फैन है, रेडमी के या पोको के। अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप क्या कहते हैं, पोको का फोन बाय करना चाहिए या हम बाय कर लें रेडमी 13C 5G। जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप बताना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। जाते जाते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।